जी हाँ बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में स्पेशल टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल देखेंगे। किस तरह से है सेंट्रिक वास्कुलर सिस्टम, जिसमें एम्फीक्राइबल और एम्फी वेसल्स टू टाइप्स आते हैं। एम्फीक्राइबल में जाइलम अंदर होते हैं, फ्लोएम बाहर साइड होता है। एम्फी वेसल्स में फ्लोएम अंदर इनसाइड होता है और जाइलम बाहर पेरीफेरी की तरफ होता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को सेंट्रिक वास्कुलर बंडल बोलते हैं, एम्फीक्राइबल एंड एम्फी वेसल्स। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल देखेंगे आज, स्पेशल टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल। स्पेशल टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल, यहाँ पे स्पेशल टाइप्स में सेंट्रिक वास्कुलर बंडल क्या आता है, सेंट्रिक वास्कुलर बंडल आता है। और ये जो सेंट्रिक वास्कुलर बंडल आता है, सेंटर और पेरिफेरी, सेंट्रिक वास्कुलर बंडल बोलते हैं। टू टाइप्स, इस तरह से टू टाइप्स होगा। डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं, एक जो है एम्फीक्राइबल टाइप्स क्या होंगे, पहला टाइप्स एम्फीक्राइबल, ये फर्स्ट टाइप्स क्या होगा एम्फीक्राइबल, और दूसरा होगा एम्फी वेसल्स, क्या होगा एम्फी वेसल्स, ये एम्फीक्राइबल और एम्फी वेसल्स, ठीक है, सिंपल लिखो एम्फी वेसल। एम्फीक्राइबल में अरेंजमेंट देखते हैं वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा होता है। ये अंदर में जाइलम होती है और इस तरह से बाहर के साइड में ये क्या होता है, फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है इस तरह से। ये बाहर साइड में फ्लोएम होता है, बाहर साइड में फ्लोएम, अंदर साइड में जाइलम, इस तरह के अरेंजमेंट को एम्फीक्राइबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीक्राइबल। और एम्फी वेसल्स में जस्ट उल्टा होता है, फ्लोएम अंदर जाइलम बाहर, उसको बोलते हैं एम्फी वेसल्स। एम्फी वेसल्स में फ्लोएम अंदर जाइलम बाहर पेरीफेरी की तरफ होगा। तो यहाँ पे एम्फी वेसल्स में इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये फ्लोएम का अरेंजमेंट होगा और इस तरह से बाहर साइड में क्या होंगे, जाइलम होगा, बाहर साइड में जाइलम, अंदर साइड में क्या होगा, फ्लोएम होगा। टू टाइप्स होंगे एम्फीक्राइबल एंड एम्फी वेसल्स। इस तरह से स्पेशल टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल होगा, इसमें अरेंजमेंट होगा। जाइलम में दूसरा टाइप्स हम लोग देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड टाइम टेकन, दैट मीन्स टाइम पहले बना है या फिर बाद में बना है, फर्स्ट फॉर्म या फिर बाद में बना है जाइलम। इस तरह से कुछ जाइलम पहले बनता है और दूसरे तरह का जाइलम बाद में बनता है, तो इसको नामकरण दिया है फॉर्मेशन बेसिस पे, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, क्या प्रोटोजाइलम, और दूसरा टर्म्स दिया है मेटाजाइलम। टू टाइप्स ऑफ जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, फॉर्मेशन ड्यूरेशन, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो होगा फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जाइलम, फर्स्ट फॉर्म जाइलम, और ये जो मेटाजाइलम होगा लेटर फॉर्म, लेटर फॉर्म जाइलम, बाद में जो बनता है। और जो पहले बनता है स्मॉलर वेसल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉलर, स्मॉल वेसल्स, स्मॉलर वेसल्स। और जो बाद में बनते हैं वो बड़े साइज का वेसल्स होते हैं, क्या होते हैं, लार्ज वेसल्स होता है, लार्जर वेसल, लार्जर वेसल, इस तरह से होता है। तो याद रखेंगे जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, इस तरह से प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म पहले बना, मेटाजाइलम बाद में बना, पहले जो बना छोटा होगा, बाद में जो बनेगा वो क्या होगा, लार्जर साइज का होगा। कैसा होगा, यहाँ पे अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं, आउटर साइड इनर साइड करके हम लोग इस तरह से मेंशन करते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को। इस तरह से हम लोग सेल्स के लेयर बनाते हैं और इसमें जाइलम और फ्लोएम को मेंशन करते हैं। यहाँ पे देखो ये आउटर साइड है,
आउटर साइड, है ना। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो होगा, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में कैसे होता है, ये देखो। एक प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन पहला क्या बनेगा, प्रोटोजाइलम बनेगा इसको, और जो बाद में बनेगा वो क्या होगा, मेटाजाइलम होगा। तो ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम इस तरह से बनता रहेगा और ये खिसकेगा आगे की तरफ, ये बाद वाला है मेटाजाइलम, है ना। बड़े साइज़ का मेटाजाइलम होता है लार्जर वेसल्स, और छोटे साइज़ का क्या होता है, प्रोटोजाइलम स्मॉलर वेसल्स। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन होता है और फिर वो वहीं पे क्या होती है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये लेटर फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म प्रोटोजाइलम, लेटर फॉर्म मेटाजाइलम। तो ये क्या है, हमारा प्रोटोजाइलम है। और ये जो बड़े साइज का बाद में जो बना है, ये मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम है। प्रोटो एंड मेटा, ये दो तरह का होता है। इस तरह से फॉर्मेशन होता है वास्कुलर टिश्यू का, जाइलम का। और फ्लोएम को हम लोग अभी मेंशन नहीं करते, सिर्फ जाइलम। जाइलम टू टाइप्स, क्या है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। इसी तरह फ्लोएम भी होता है, वो भी वास्कुलर बंडल्स में ही आता है। तो प्रोटो फ्लोएम और मेटा फ्लोएम, वो भी आता है। इसमें एक अरेंजमेंट और देखेंगे, ये तो अरेंजमेंट है, इनर साइड है, आउटर साइड है। इनर साइड में मेटाजाइलम, आउटर साइड में प्रोटोजाइलम। इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सार्क कंडीशंस। प्रोटोजाइलम अगर बाहर है, मेन बेसिस प्रोटोजाइलम का लेते हैं, ये प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरह है, छोटा वेसल्स है, बाहर की तरफ है, तो उसको बोलते हैं एक्सार्क कंडीशन, एक्सार्क बाहर। और ये प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ होगा तो उसको बोलेंगे इनडार्ज कंडीशन। ये इनर साइड है, ये आउटर साइड और ये इनर साइड, याद रखेंगे। इस तरह से जाइलम ग्रो करेगा। प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी की तरफ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सार्क कंडीशन, अभी हम लोग मेंशन करेंगे। इस तरह से दूसरा जो इस तरह से फॉर्मेशन होता है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर। यहाँ पे प्रोटोजाइलम बनेगा, वहीं पे रुक जाएगा, मेटाजाइलम बाद में बनेंगे और बड़े साइज का बनेंगे। यही प्रोटोजाइलम क्या होगा, प्रोटो पेरीफेरी की तरफ ही रहेगा, पहले बनेगा और वहीं रह जाएगा, दूसरा बाद में बनेगा, मेटाजाइलम की तरफ शिफ्ट होगा इस तरह से। और एक कंडीशन यहीं पे होगा दूसरा, इस तरह से आउटर और इनर साइड है, ये आउटर साइड में इस तरह से प्रोटोजाइलम बनेंगे और ये प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ खिसक जाएगा, मेटाजाइलम यहाँ पे बन जाएगा। ये सेल क्या होंगे, शिफ्ट कर जाएंगे और फिर ये जर्म सेल्स यहाँ पे क्या बना देगा, मेटाजाइलम को बना देगा। इसी तरह ये प्रोटोजाइलम आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये मेटाजाइलम इधर शिफ्ट हो जाएंगे पेरीफेरी की तरफ। ये कंडीशन और ये कंडीशन ध्यान से, यहाँ पे प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ आ गया और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ आ गया, तो ये कंडीशन इनडार्ज कंडीशन होता है और ये जो कंडीशन है एक्सार्क कंडीशन। ये सेल फिर खिसक जाएंगे और फिर ये मेटाजाइलम नया बनेगा। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोजाइलम पहला बना, मेटाजाइलम इधर बन जाता है बाहर के साइड में। तो ये कंडीशंस क्या होगा, प्रोटोजाइलम बाहर तो एक्सार्क कंडीशन, एक्सार्क कंडीशन। और ये प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ शिफ्ट कर गया, इसको बोलेंगे इनडार्ज कंडीशन, इनडार्ज कंडीशन। प्रोटोजाइलम बेसिस पे ही हम लोग कहेंगे, अंदर की तरफ इनडार्ज, बाहर की तरफ एक्सार्क, बाहर एक्सार्क। इस तरह से कंडीशन हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, थोड़ा दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, एक्सार्क कंडीशन और इनडार्ज कंडीशन। ओके, तो इनडार्ज कंडीशन कब होगा, जब प्रोटोजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम क्या होगा, ये एक्सार्क कंडीशन है, ये इनडार्ज कंडीशन। यहाँ पे प्रोटोजाइलम क्या होगा, इनर, और मेटाजाइलम आउटर साइड होगा, है ना। तो प्रोटोजाइलम किधर है, इनर, तो इनडार्ज इसी बेसिस पे करेंगे। प्रोटोजाइलम किधर है, इनर साइड में, तो इनडार्ज। अब यहाँ पे एक्सार्क कंडीशंस में ये प्रोटोजाइलम क्या है, बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम आउटर, यहाँ पे इनर था, यहाँ पे आउटर हो गया, और मेटाजाइलम
ये क्या है इनर साइड में। तो इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम किधर है, बस इसी को याद रखेंगे आउटर, तो ये एक्सार्क कंडीशन, एक्सार्क बाहर वाला कंडीशंस को बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंशिएट याद रखेंगे, एक्सार्क कंडीशन एंड इनडार्च कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, इनडार्च कंडीशन बोलेंगे, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ तो क्या बोलेंगे एक्सार्क कंडीशंस। ओके, तो दो कंडीशंस हम लोग देखें यहाँ पे जाइलम के बिहा पे। फर्स्ट फॉर्म जाइलम को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और लेटर फॉर्म जाइलम को हम लोग बोलते हैं मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्म प्रोटोजाइलम, लेटर बाद में जो फॉर्म होता है उसको हम लोग मेटाजाइलम बोलते हैं। ओके, तो ये जो एक्सार्क कंडीशंस हम लोग देख रहे हैं ये किसका फीचर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रूट होता है, है ना। ये किसका फीचर्स होता है, रूट का फीचर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रूट्स, किसका, रूट्स का। और इंडार्च कंडीशन जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टेम होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टेम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेम में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ तो इंडार्च कंडीशन, रूट में प्रोटोजाइलम आउटर साइड में एक्सार्क कंडीशन, रूट एक्सार्क कंडीशन है ना, और स्टेम में इंडार्च कंडीशन, ये याद रखना है, डिफ्रेंशिएट करना है। आगे डायग्राम तो हम लोग देख ही लिए इस तरह से, आउटर साइड और इनर साइड। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोटिक स्टेम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट मोनोकोट रूट, उसके बाद डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ, ये छह कंडीशंस को हम लोग को देखना है, किस तरह से अरेंजमेंट है सेल का, ये सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे। ओके, एनाटोमी में जितना पढ़ाया जा रहा है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, इसके अलावा देखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फिडेंटली मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये तजुर्बा है। बच्चे क्या करते हैं, खोरते रहते हैं, यहाँ से वो मिल जाए, नया मिल जाए, कोई फैकल्टी कुछ और पढ़ा देते हैं तो लगता है कि कुछ अजूबा पढ़ा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ें वो हमारे लिए बेटर है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार पढ़ना होगा, और एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका एक बार थ्योरी को जल्दी से देखें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं। जैसे हम लोग स्टेम को पढ़ रहे हैं, डाइकोट स्टेम, तो डाइकोट स्टेम का एनसीईआरटी डील करेंगे, तो कैसे करेंगे, जब तक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड नहीं करेंगे तो एनसीईआरटी का लाइन याद नहीं होगा, एनसीईआरटी में क्या कहाँ से क्या थ्योरी करके चला गया कुछ भी पता नहीं चलता है। तो हम लोग को क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी और ये हमारा नोट्स सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। बच्चे इतना टाइम बर्बाद करते हैं थ्योरी इधर उधर, ये लेक्चर वो लेक्चर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खुद को मज़बूत बनाने की ज़रूरत है, अपना लेबर टाइम बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना हार्ड वर्क करेंगे बच्चे वही उसका होगा, टीचर तो बहुत सारा थ्योरी दे जाते हैं, है ना, तो हमें शिफ्ट बनाना पड़ा।